किसान सरकार सम्मेलन में शामिल हुए हैं। बढ़ाकर 2100 रुपया करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। सरसों की एमएसपी 3050 रुपया थी, इसको बढ़ाकर 5400 रुपया करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और पैक्स को, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी को मजबूत करने के लिए 20 से ज्यादा योजनाएं लाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। कोऑपरेटिव को फिर से एक बार, जो किसान के जीवन का सहारा है, ये सहकारिता किसान के लिए बनी है। आजीविका को 3500 से ज्यादा सोसाइटियों के माध्यम से सहकारिता का उद्धार कर रही है। परंतु मोदी जी ने तय किया है कि इस देश में 2 लाख नए पैक्स बनाकर हर पंचायत में पैक्स को पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। किसानों को अच्छा बीज मिले, किसानों को अपनी उपज को निकास कर पाए, और इसके साथ साथ प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को आगे बढ़ा पाए, इसलिए 3 नई कोऑपरेटिव सोसाइटियों की स्थापना नरेंद्र मोदी जी ने की। मित्रों, मैं यहां आता था, बीच में काफी किसान खड़े थे स्वागत में, मैंने गाड़ी खड़ी रखी तो एक किसान ने कहा, साहब हमारे राजस्थान में बिजली नहीं मिलती है। मैंने बोला, भाई बिजली में क्या प्रॉब्लम है, अब तो पूरे देश में बिजली है। तो दूसरे ने कहा, एक और बिजली मिलती नहीं है और दूसरी ओर बिजली की खरीदी में धांधली हो रही है। हर चीज पर, किसानों को पानी देना है तो बिजली चाहिए, बिजली देनी है तो बिजली का उत्पादन करना पड़ेगा, मगर गहलोत साहब उत्पादन नहीं करते, उनको खरीदी में, परचेज में इंटरेस्ट है। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं आपके सामने आया हूं, ढेर सारे किसानों की में परचेज में इंटरेस्ट है। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं आपके सामने आया हूं, ढेर सारे किसानों का डीबीटी के माध्यम से देश के हर किसान को 6000 रुपया भेजकर मोदी जी ने लाखों करोड़ों रुपया किसान के बैंक अकाउंट में डालकर किसान मित्र का काम किया है। और ये राजस्थान 14 और 19 दोनों चुनाव में एक बार 51-55% और एक बार 61% वोट देकर सारी की सारी सीटें मोदी जी के झोली में डाली है या नहीं डाली है भाई? अरे जोर से बोलो, डाली है या नहीं डाली है? 24 में चुनाव आ रहा है, मैं पूछने आया हूं सारे किसान भाइयों बहनों को, 24 में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? जो चाहते हैं जोर से हाथ ऊपर कर नारा लगाए, चाहते हैं या नहीं चाहते? आप 24 के पहले, अरे सुन लिया यार, जोर से लगाओ जरा, मित्रों आपने कह दिया 24 में फिर से सबकी सब सीटें भाजपा को देंगे, मगर 24 के पहले 23 का चुनाव आ रहा है। 24 में तो सीटें तब दोगे जब 23 में यहां तख्ता पलट करोगे, करोगे या नहीं करोगे? जोर से बोलो, करोगे या नहीं करोगे? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे? जोर से बोलो, बनाओगे? सभी की सभी सीटें देंगे? 23 में भाजपा सरकार बनाएंगे?
तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए और सभी सीटें जीतने के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अंत में मैं एक बात कहता हूं, घर में कोई भी डायरी हो उसका कलर लाल मत रखना, गहलोत जी नाराज हो जाएंगे, समझ गए ना? लाल डायरी का कलर मत रखना। मेरे साथ बोलो, वंदे वंदे वंदे। अभी आपने तो ये थे हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह।